राइट, ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर ग्रुप 16 की बात करें तो ग्रुप 16 जो है दो टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। क्यों शो करेगा? उसके पीछे रीजन ये है कि उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इज NH2 NP4। So it has 6 valence electron in which 2 in a s orbital and 4 in a p orbital. So इसके पास total कितने electron हैं? 6 valence shell में electron हैं। तो अगर मैं इनके oxidation state की बात करूं, तो valence shell में अगर 6 electron हैं, तो minimum oxidation के लिए क्या होता है? कि जो valence electron है, -8 कर दें, तो क्या बच रहा है वहां पे? -2। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या देखते हैं हम? वहां पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। तो -2 2 + 6 ये ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। -2 2 + 6 ग्रुप 6 में जो ग्रुप 16 में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्लस 6 तक नहीं जाता है, ऑक्सीजन आपका -2 -1 एंड -1/2 सुपर ऑक्साइड में एंड +1 + 2 भी शो करता है। +1 कहां पे शो करेगा? अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के ऑक्साइड फॉर्म में -2 हो जाएगा, पेरोक्साइड में -1 हो जाएगा, सुपर ऑक्साइड में -1/2। समझ में आ रहा है? O2F2 में +1, OF2 में +2। ये ऑक्सीजन के डेटा है। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन अगर पॉजिटिव फॉर्म बनाएगा तो खाली फ्लोरीन के साथ रीजन, क्योंकि फ्लोरीन इससे भी ज्यादा निगेटिव है और ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये बाकी एलिमेंट के साथ क्या होगा? निगेटिव में होगा, बट फ्लोरीन के साथ क्या होगा? पॉजिटिव। ये ऑक्सीडेशन नंबर हम ऑक्सीजन के लिए ध्यान में रखेंगे। अब ये जो सल ग्रुप 16 है प्लस 6 इसका मैक्सिमम होता है, बट डाउन टू दी ग्रुप ये प्लस 6 डिक्रीजेस। क्यों? प्लस 6 का नेचर डिक्रीज होगा डाउन टू दी ग्रुप। उसका रीजन क्या है? इनर पेयर इफेक्ट। अगर मैं प्लस 4 की बात करूं तो प्लस 4 जो है इंक्रीज होगा, उसका भी रीजन यही है क्योंकि डाउन टू द ग्रुप जो है यहाँ पे इनर पेयर इफेक्ट की वजह से प्लस 6 डिक्रीज होगा और प्लस 4 इंक्रीज होगा। रीजन इनर पेयर इफेक्ट। रीजन क्या होगा? इनर पेयर इफेक्ट। समझ में आ रहा है? और इनर पेयर क्या होता है कि ये H2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ग्रुप 16 का जो है जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो -2। समझ में आ रहा है? सल्फर जो है, सल्फर लगभग सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, बट ऑक्सीजन जो है लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। -2 -1 -1/2 सुपर ऑक्साइड में +1 एंड +2। सल्फर हमारा लगभग सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सल्फर प्लस 6 तक जाता है। +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट के जो है वो किसके द्वारा सेटिस्फाई किया जाएगा? ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो किसके द्वारा बैलेंस किया जाएगा? जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होंगे। पॉजिटिव का मैक्सिमम किससे? जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? फ्लोरीन। फिर सेकेंड कौन है? ऑक्सीजन। ये ध्यान में रखिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे सल्फर एटम की बात करें तो सल्फर 4 एंड 6 दोनों शो करता है। सल्फर 4 में क्या होगा कि वहां पे जब सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं मैं, यहाँ पे सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, राइट? तो सल्फर जो है लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की अगर मैं बात करूं डायरेक्टली तो क्या हो जाएगा? 3H2 3P4। यहाँ पे सल्फर के पी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? जिसमें एक पेयर है, दो अनपेयर है, ऐसा रहेगा। ये एस हो गया, ये पी हो गए,
और ये हमारा डी हो गया। सल्फर के अभी डी में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ग्राउंड स्टेट में इधर दो दो, एक और एक, इस तरह से। बट जब ही सल्फर बॉन्ड बनाता है, फोर कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जंप कर जाएगा इधर, समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन, जब सल्फर चार बॉन्ड बनाता है, बट जब ही सल्फर छह बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, ये सेकेंड वाला भी इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाएगा, और तब कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे, छह, समझ में आ रहा है। पर अगर मुझे चार बॉन्ड बनाना है तो ये इधर जाएगा, तो ये एस बॉन्डिंग में तो आ ही रहा है, बट ये लोन पेयर बनाएगा, एक दो तीन चार और ये पांच, पांच ऑर्बिटल आएंगे, समझ में आ रहा है। और जहां पे वो क्या हो जाएगा, sp3d। पर अगर छह के छह बॉन्ड बन रहा है सल्फर, जैसे कि sf4 की बात करूं मैं, समझ में आ रहा है, तो ये यहां तक जाएगा, जिसमें इनके हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे ना, तो sp3d होता है। क्यों, चार बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर। sf6 की बात कर लूं मैं यहीं पे, तो ये क्या हो जाएगा, sp3d2। क्यों ऐसा, क्योंकि एक s, तीन p और दो d बन जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर होने लगता है, ये जो पेयर है और ये जो पेयर है, दोनों यहाँ पे d ऑर्बिटल में चले जाएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके जो अनपेयर हो जाएंगे, फिर वहां पे सिक्स फ्लोरिन के बॉन्ड जो है फॉर्म हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो कैसे ये प्लस फोर और प्लस सिक्स को करता है वो समझ में आ रहा है। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन अगर वो डी में ट्रांसफर कर रहा है तो उसके पास क्या हो जाएंगे, चार अनपेयर्ड, तो चार कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। जब ये वाला भी इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा तो छह ऑर्बिटल इसके क्या हो जाएंगे, अनपेयर्ड हो जाएंगे, और यहाँ पे छह कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, sf6 बन जाएगा। Clear everyone? तो इस तरह से सल्फर जो है अपना प्लस सिक्स और प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग एलोट्रॉपिक नेचर की। अगर मैं बात करूं तो एलोट्रॉपिक नेचर में पूरे ग्रुप 16 के एलिमेंट एलोट्रॉपिक नेचर शो करते हैं। ऑक्सीजन कैसे शो करता है, O2N O3। सल्फर के बहुत सारे एलोट्रॉपिक फॉर्म है, समझ में आ रहा है, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, गामा सल्फर, क्राउन शेप सल्फर, रिंग चेयर फॉर्म सल्फर, साइक्लिक जिसको बोलते हैं, रिंग फॉर्म या साइक्लिक फॉर्म ऑफ सल्फर। तो सल्फर के सबसे ज्यादा एलोट्रॉपिक फॉर्म पाए जाते हैं, जिसमें अल्फा बीटा एंड गामा, ये तीनों पाए जाते हैं, समझ में आ रहा है। होमोसाइक्लिक सल्फर, जो साइक्लिक सल्फर बोला मैंने, राइट, एंड प्लास्टिक सल्फर, ये सब उनके सल्फर के फॉर्म है। एक पॉइंट यहां पर याद रखेंगे कि O2 की तरह H2 भी जो है, अगर सल्फर एसिड में पाया जाता है, राइट, बट ऑक्सीजन की तरह अगर सल्फर H2 फॉर्म में है तो इट इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक इन नेचर, समझ में आ रहा है, बट नॉर्मल सल्फर एसिड में नहीं, समझ में आ रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, वो डायमैग्नेटिक। ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये भी एलोट्रॉपिक फॉर्म शो करते हैं। तो ग्रुप 16 के जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलोट्रॉप्स हैं। तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट हम ध्यान में रखें। आफ्टर द एलोट्रॉपिक नेचर यहाँ पे इनके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेंगे ऑक्सीजन का, जिसमें पहला पॉइंट आएगा उनका एनोमलस बिहेवियर। क्या आएगा, एनोमलस बिहेवियर। Anomalous behavior, oxygen. Anomalous behavior of oxygen के anomalous behavior की बात कर रहा हूँ यही पे। डायरेक्टली मैं anomalous behavior पे आ रहा हूँ। रिएक्शन में ऑलरेडी रिएक्शन बता दे रहा हूँ कि अगर ग्रुप 16 के एलिमेंट रिएक्शन कर रहे हैं, पहले किसके साथ, एयर के साथ, समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, अगर सल्फर की बात करूं तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड, सेलेनियम सेलेनियम डाइऑक्साइड बना लेगा, समझ में आ रहा है। और ये अगर सल्फर अगर नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करे, ऑक्सीजन एंड सल्फर हमारा मेटल एंड नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करे हैं, तो ऑक्सीजन मेटल के साथ कंबाइन होकर मेटल ऑक्साइड बनाएगा, नॉन मेटल के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा।
समझ में आ रहा है आपको? हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर देंगे तो वो क्या बनाएगा? H2O। तो वहां पे ग्रुप 16 के जितने भी एलिमेंट है जब वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे तो हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 बना लीजिए। समझ में आ रहा है? सेम लाइक एज अ ग्रुप 15 हाइड्राइड। ग्रुप 15 के हाइड्राइड में हमने वो डिस्कस किया था। अगर हाइड्राइड में आपको थोड़े कंफ्यूजन है, 15 मैंने आपको डिटेल पढ़ाया था, इसीलिए एक बार फिर तो आप हाइड्राइड को भी डिस्कस कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, ग्रुप 16 के हाइड्राइड कैसे बनेंगे? कोई भी ग्रुप 16 का एलिमेंट ले लो, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर दो ग्रुप 16 और यहां हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर दो तो क्या बन जाएगा? EH2। अब EH2 में अगर मेरा ऑक्सीजन है तो क्या बनेगा? H2O। सल्फर है तो H2S, सेलेनियम है तो H2SE, टेलुरियम है तो H2T, पोलोनियम भी, हम यहाँ पोलोनियम की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो थोड़ा लेस स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव। अब इस तरह से ये हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 हो गए, हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16। समझ में आ रहा है? अब यहां पे इनकी अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें, सबसे पहले तो वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एंगुलर से दो लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास दो बॉन्ड पेयर होता है, इनका बॉन्ड एंगल 104.5। समझ में आ रहा है? सल्फर की बात करें तो इस तरह से दो लोन पेयर सेम जो है उसका वाटर के जैसा ही दिखता है, पर ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 92.34 के आसपास रहेगा, हम 4 ले लेते हैं। फिर H2SE की बात कर लूं मैं, सेलेनियम है, ये दो लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरह से है। अब यहां पे क्या दिख रहा है आपको कि ये बॉन्ड एंगल, ये ऑक्सीजन sp3 है, राइट? तो sp3 के अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109। यहां पे भी डेविएशन तो है बट बहुत लार्ज डेविएशन नहीं है। बट अगर मैं इस सल्फर की बात करूं तो ये सल्फर अगर sp3 मान रहे हैं तो 109, यहां डेविएशन कितना है? बहुत ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू ड्रैगोज रूल यहां पे जो H2S बना हुआ है वो प्योर ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हुआ है। क्या हुआ है? प्योर ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग, क्योंकि यहां थीटा की वैल्यू क्लोजर टू क्या है? 90 डिग्री, 92, 90 डिग्री, 92 है, ये 91 के आसपास रहेगा, धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज होगा, ये भी पॉइंट हमने पढ़ा है, क्या कि अगर सेंट्रल एलिमेंट का साइज इंक्रीज होगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज। एवरीवन, तो यहां पे अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होगा? वाटर, देन H2S, then H2SE, then H2T, ये पॉइंट क्लियर है। दूसरा, बॉन्ड लेंथ की बात करें यहां पे तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ कम होगा क्योंकि ऑक्सीजन का साइज कम है, देन सल्फर एंड हाइड्रोजन, देन सेलेनियम एंड हाइड्रोजन, देन क्या लिखूं मैं, टी एंड हाइड्रोजन। ये अगर बॉन्ड लेंथ है तो इनकी स्टेबिलिटी कैसी होगी? स्टेबिलिटी की बात कर लें यहीं से, बॉन्ड स्ट्रेंथ या स्टेबिलिटी, उल्टा ना, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? OH का सबसे ज्यादा, देन SS, देन SCH, देन TH। ये समझ में आ रहा है? ये स्टेबिलिटी है। तो यहीं पे हम क्या लिख सकते हैं स्टेबिलिटी के बाद? रिड्यूसिंग कैरेक्टर, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड रिड्यूसिंग स्टेबिलिटी के बाद जस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात कर लें, कहां पे बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगा? जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। समझ में आ रहा है? स्टेबिलिटी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, तो ऑर्डर यही फॉलो होगा, सेम ऑर्डर, OH, SH, SCH एंड TEH। यहीं पे अगर मैं बात कर लूं रिड्यूसिंग नेचर की, रिड्यूसिंग नेचर किसका ज्यादा होगा? जिसका बॉन्ड H+ इजिली देगा,
रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब जो हाइड्रोजन दे इजिली हाइड्रोजन का सप्लाई कर सके, कौन कर सकता है, जो इजिली बॉन्ड को तोड़ सकता है। तो OH सबसे कम, SH, SCH, ये समझ में आ रहा है आपको, यहां तक कोई डाउट? यहीं पे अगर मैं एसिडिक नेचर की बात करूं, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16, एसिडिक नेचर क्या होगा? अब ग्रुप 15 के लिए आपने क्या पढ़ा था? बेसिक नेचर। बेसिक नेचर में क्या पढ़ा था हमने कि बेसिक नेचर डिक्रीजेस डाउन टू दी ग्रुप। तो अगर मैं बात करूं ना तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, बट मुझे बेसिक ना बोल के क्या यहाँ पे डिस्कस करना है, एसिडिक। तो बेसिक अगर डिक्रीज हो रहा है तो एसिडिक क्या होगा? तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? डाउन टू द ग्रुप ये डिक्रीजेस। तो ग्रुप 16 में जो एसिडिक कैरेक्टर है सबसे कम किसका होगा? H2O का, समझ में आया? और फिर सबसे ज्यादा किसका होगा? H2TE का। H2O का कम है, देन H2S, देन H2SC, H2T। ये क्या है? एसिडिक नेचर। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक कोई डाउट? यहां पे अगर मैं आपको बोलूं कि सॉल्युबिलिटी का फैक्टर पोलर सॉल्वेंट में किसका ज्यादा होगा? वाटर इजिली सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये? पोलारिन नेचर। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, हाईली पोलर, इन सब में सबसे ज्यादा पोलर वही है। सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा? अगर मैं म्यू की बात करूं तो म्यू किसका ज्यादा होगा? वाटर का। क्यों? डेल्टा ई एन सबसे ज्यादा किसका है? वाटर का। बाकी का डेल्टा ई एन कम है, यहाँ पे डेल्टा ई एन ज्यादा, तो डायपोल मोमेंट ज्यादा, तो सॉल्युबिलिटी भी ये ज्यादा होगा, राइट? दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? वाटर का। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 373, मेल्टिंग पॉइंट 273, राइट? जीरो डिग्री पे मेल्ट हो जाता है। तो यहां पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा वाटर का होगा, सबसे ज्यादा वाटर का होगा। और बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर दोनों सेम है, चाहिए तो अलग अलग लिख सकते हैं या सेम भी। वाटर सबसे ज्यादा, देन सबसे ज्यादा H2, देन H2SE, देन H2S। ये ध्यान में रखना, यही ऑर्डर इनका भी, ये पॉइंट क्लियर? कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाएगा? वाटर। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर बनाएगा, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है नहीं? तो ये सारे पॉइंट किसके थे? हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। तो ग्रुप 16 के हाइड्राइड मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम। याद है, कोई डाउट है? इसके बाद जो हमें डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है? एनोमलस बिहेवियर। समझ में आ रहा है आपको? बिहेवियर ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। अब स्टूडेंट, एनोमलस बिहेवियर के लिए भी हमारा मेन की पॉइंट क्या है? कोई भी एलिमेंट एनोमलस बिहेवियर क्यों शो करता है? पहला पॉइंट स्मॉल ई साइन, दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थर्ड और फोर्थ मोर आईपी, हाई तो मतलब साइज कम, स्मॉल इन साइज, मोर आईपी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड अब्सेंस ऑफ डी और हाई। तो ये एनोमलस के रीजन है। यहाँ पे डायरेक्टली मैं तो रीजन में लिख के एनोमलस प्रॉपर्टीज बता दूं। रीजन तो वही सेम, नाइट्रोजन के लिए सेम, कार्बन के लिए सबके लिए सेम है। यहाँ पॉइंट टू डिफरेंट, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ अदर, सॉरी नाइट्रोजन बोला मैं, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ अदर ग्रुप 16 एलिमेंट, अदर ग्रुप 16 एलिमेंट, ये ऑक्सीजन है। पहला पॉइंट एटॉमिक सिटी की बात करूं तो ऑक्सीजन क्या होता है? डायटॉमिक, बाकी के क्या होंगे? पॉली एटॉमिक। ऑक्सीजन का नेचर, फिजिकल स्टेट क्या होता है? गैस, बाकी के क्या होंगे? सॉलिड। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? यहां पे
एटॉमिक सिटी गैस सॉरी डायटॉमिक पॉलीएटॉमिक डायटॉमिक पॉलीएटॉमिक ये क्या हो जाएगा या फिजिकल स्टेट ये गैस और ये क्या हो जाएंगे सॉलिड ये समझ में आ रहा है गैस और ये सॉलिड नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट की भी बात कर सकते हैं क्या लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट यहां लिमिटेड है और यहां रेंज ज्यादा है समझ में आ रहा है लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू से लेके प्लस सिक्स तक जाते हैं पोलोनियम प्लस सिक्स नहीं शो करता है बट प्लस फोर तक जाता है बाकी एलिमेंट शो करेंगे पोलोनियम क्यों प्लस सिक्स शो नहीं करता क्योंकि वहां पे इनर पेयर इसे स्ट्रॉन्गर होता है ये ध्यान में रखें पोलोनियम माइनस टू भी नहीं शो करेगा मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है समझ में आ रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया फिजिकल स्टेट एटॉमिक सिटी और क्या लिख सकते हैं मेन पॉइंट मल्टीपल बॉन्ड ये सारे पॉइंट देखो सब में रिपीट होते हैं ये खाली ध्यान देने का सबके प्रॉपर्टीज अलग रहेंगे बट ये पॉइंट क्या रहेंगे सेम मल्टीपल बॉन्ड में ये वाला पॉइंट भी लगभग सेम ही है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड इधर क्या होगा पी पाई डी पाई मल्टीपल समझ में आ रहा है आपको मल्टीपल बॉन्ड भी यहाँ पे सेम है ये सारे पॉइंट तो बता ही दिया ऑक्सीजन जो है जनरली ऑक्सीजन के कंपाउंड अगर मैं कोवेलेंट नेचर की बात करूं तो लेस कोवेलेंट कैरेक्टर होगा मोर एनी लेस कोवेलेंट बाकी इनके कंपाउंड क्या होंगे ज्यादा कोवेलेंट होंगे क्यों क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस की बात करेंगे समझे मेटल के साथ ये ज्यादा आयनिक बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा तो वो भी एक पॉइंट दिया रहेगा मेटेलिक में ज्यादा आयनिक मेटेलिक कैरेक्टर बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन इज टिपिकल नॉन मेटल अदर क्या है मेटलॉइड्स एंड मेटल नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे मल्टीपल बॉन्ड भी रोल ये सब बता दिया नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा है हाइड्राइड की बात करेंगे और एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं एज आई टोल्ड यू कि ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक है अकॉर्डिंग टू एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने ये बताया कि उनके जो एंटीबॉन्डिंग के ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जो जो बचते हैं वो एंटीबॉन्डिंग में क्या होते हैं अनपेयर होते हैं समझ में आ रहा है तो पाई स्टार एक्स एंड पाई स्टार वाई जो होता है पाई एक्स पाई वाई पी एक्स पी वाई वहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सिंगल सिंगल होते हैं अनपेयर होते हैं जिसकी वजह से वो क्या होता है पैरा मैग्नेटिक और ये क्या हो जाएंगे डायमैग्नेटिक हाइड्राइड की अगर मैं बात करूं हाइड्राइड में बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं जैसे स्टेबिलिटी का पॉइंट समझ में आ रहा है स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है इनका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा समझ में आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा ये अकेला हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं तो अभी हाइड्राइड यहाँ पे डिस्कस किया है तो सारे पॉइंट यहाँ पे हमें नहीं लिखा तो भी चलेगा बट हमें ध्यान में रहना चाहिए कितने वहां पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर हमें पूछ रहा है तो एटलीस्ट हमें ये हाईलाइट से हम समझ जाएंगे समझ में आ रहा है तो ये हमारा एनोमलस बिहेवियर एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 ऑक्सीजन का यहाँ तक कुछ डाउट है तो एक बार गो थ्रू कर लेंगे डाई ऑक्सीजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करूंगा इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन डाई ऑक्सीजन में सबसे पहले ओ डबल बॉन्ड ओ होता है समझ में आ रहा है यहाँ पेयर दिखने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन पेयर दिखने के बावजूद भी ये पैरामैग्नेटिक होता है ये ध्यान में रखें बॉन्ड ऑर्डर इसका टू होता है
आप इसको डाइऑक्सीजन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन O2, एमओपी ऑफ O2। जब आप किसी ऑक्सीजन रिच कंपाउंड को, ऑक्सीजन रिच कंपाउंड को हीट करते हैं, डीकंपोज करते हैं, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑक्सीजन। कोई भी ऑक्सीजन रिच कंपाउंड ले, अगर आप उसको हीट कर रहे हैं, यहाँ जितने भी एग्जांपल मैंने लिए हैं ये सारे ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है, इनको हीट करने से ये किसमें कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ये O2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, O2। अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं, KNO4 लिया है, जब आप इसको हीट करेंगे तो ये O2 दे देता है, और क्या देगा, K2NNO4 प्लस MnO2 दे देगा, क्या दे देगा, MnO2। इस रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो मैग्नीज इधर भी है इधर भी है, दो मोल ले लीजिए, दो के आ गया, K2 आ गया, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, चेक करो जरा। तो जब KNO4 को हम स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं तो ये K2MnO4 MnO2 में जाता है और डाइऑक्सीजन गैस दे देता है, क्या दे देगा, डाइऑक्सीजन गैस। KClO3 को अगर हीट कर दे तो ये आपका डायरेक्टली डीकम्पोज करेंगे तो ये क्या देगा, O2 प्लस KCl। इसको बैलेंस करना आसान है, 3 है 2, तो इधर क्या हो जाएगा, 3 इधर 2, रिएक्शन बैलेंस। यही KClO3 ना लेबोरेटरी मेथड में भी आएगा, बट वहां पे कैटलिस्ट यूज किया जाएगा MnO2। तीसरा कंपाउंड यहाँ पे मैं KNO3 ले लू, क्या ले लू, KNO3। नाइट्रेट को सभी हम यहाँ पे हीट करेंगे तो ये O2 प्लस KNO2 दे देगा, O2 प्लस KNO2 दे देगा, समझ में आ रहा है। अब O2 चाहिए दो, इधर भी दो, रिएक्शन बैलेंस, इधर ये नहीं है, ध्यान नहीं है। पेरोक्साइड लेंगे, कोई भी पेरोक्साइड, जैसे कि यहां पे बेरियम पेरोक्साइड लिया है, उसको हीट कर दो तो O2 प्लस बेरियम ऑक्साइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, O2 प्लस बेरियम ऑक्साइड। इसको भी बैलेंस करना है तो क्या कर देंगे, दो मोल ले लिया इधर, दो मोल ले लेंगे बेरियम ऑक्साइड पेरोक्साइड को, तो ऑक्सीजन प्लस बेरियम ऑक्साइड मिल जाएगा, तो ये भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लेड ऑक्साइड को भी हीट कर सकते हैं, किसको, लेड ऑक्साइड, Pb3O4 ले लिया, उनको भी डिकम्पोज कर दे, ये PbO में जाते, समझ में आ रहा है, दो मोल ले लू यहाँ पे, O2 में चला जाए, समझ में आ रहा है, O2 में चला जाए। तो ऐसे कोई भी ऑक्सीजन के रिच कंपाउंड लेने, कोई भी ऑक्सीजन रिच कंपाउंड, उनको जब आप थर्मोडायनेमिकली हीट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन मिलेगा। अगर आप मर्क्यूरी या ऑक्सीजन सिल्वर के ऑक्साइड लेते हैं तो ये मर्क्यूरी एंड सिल्वर बाय हीटिंग क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन दे देंगे और मर्क्यूरी मेटल सेपरेट हो जाएगा। Ag ले लूं मैं, Ag2O, उसको हीट कर दें, O2 प्लस Ag मेटल मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये सब जो रिएक्शंस है ये सब बाय थर्मल डीकम्पोजिशन बाय हीटिंग ऑक्सीजन और मेटल के सॉल्ट मिल रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली मेटल सेपरेट हो जाता है। अगर मैं लेबोरेटरी मेथड की बात करूं, लेबोरेटरी मेथड, तो उसमें KClO3 ले लूं मैं, उसको हीट कर दूं MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड के प्रेजेंस में, जो एक कैटलिस्ट है KClO3 से, रिएक्शन वही KCl प्लस O2, दो मोल, रिएक्शन बैलेंस। ये समझ में आ रहा है, यहां तक कोई डाउट है। KMnO4 एंड सल्फ्यूरिक एसिड से भी हम ऑक्सीजन बना सकते हैं, कैसे, ये फर्स्ट मेथड। दूसरा,
कि MnO4 को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो K2SO4 MnSO4 5 नेसेंट ऑक्सीजन प्लस H2O भी मिलता है। समझ में आ रहा है? अब यहां पे जो है ये 2 मोल लेना पड़ेगा, ये 2 मोल, ये 3, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 और ये 3H2O निकल जाएगा। ये जो 5 नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहा है, समझ में आ रहा है, इसको हम रिएक्ट करा दें Na2O2 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन गिव्स H2O2 प्लस Na2SO4। समझ में आ रहा है? ये ऑक्सीजन यहां पे आ जाएगा Na2SO4 और ये क्या बन जाएगा H2O2। समझ में आ रहा है? अब ये जो H2O2 है, इस H2O2 को ये स्टेट में ऑक्सीजन नहीं आएगा। अगर मैं ये सेकेंड स्टेट में H2O2 को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दूं तो वाटर प्लस O2 मिल जाए। समझ में आ रहा है? अब मुझे कितना ऑक्सीजन यूज करना है, 5, पुराना वाला रूल याद है, तो 5 चाहिए यहाँ पे, तो इधर 5 चाहिए तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई, तभी तो 5 H2O2 मिलेगा। ये पूरा रिएक्शन, समझ में आ रहा है नहीं? ये 5 हुआ, ये 5, इधर भी 5 हो जाएगा और ये 5H2O प्लस 5O2 होगा क्या, ये कैंसर, H2O2 भी कैंसर, बचा क्या, कुछ और कैंसर हो रहा है, नहीं, ये लिख सकते हैं। सो 2KNO4 प्लस 5Na2O2 ए सल्फ्यूरिक एसिड विच गिव्स 5O2 जो मेरा कंपाउंड है डाइऑक्सीजन, फिर उसके बाद में K2SO4 प्लस MnSO4 5Na2SO4, वाटर कितना 3 इधर 5 इधर 8H2, ये भी एक लैबोरेटरी मेथड है। समझ में आ रहा है? ये टेक्निक समझा आपको? सबसे पहले क्या किया, नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया, ये नेसेंट ऑक्सीजन पेरोक्साइड को सोडियम पेरोक्साइड को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट किया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीजन दे दिया तो वाटर है 5। आपको बता दूं ये जो रिएक्शन ये वाला हुआ है ना, ये फर्स्ट जितने भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस आप पढ़ते हैं KNO4 का, वो एसिडिक मीडियम में पढ़ते हैं ना, वो क्यों होता है समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां पे नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं और ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, फर्दर ऑक्सीडेशन कराता है। क्या कराता है? फर्दर ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दोनों हम टेक्निक लेबोरेटरी में यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? यहां तक कोई डाउट है? तीसरा जो है बाय एयर, तीसरा टेक्निक मैं यहाँ पे यूज करूंगा। अगर मुझे लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो मैं क्या करूँ, एयर को पहले लिक्विफाइड कर लूँ, फिर उसको क्या करूँ, डिस्टिलेशन प्रोसेस, कौन सा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कौन सा प्रोसेस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बाय एयर कैसे, वी कैन से फ्रॉम एयर, कैसे करेंगे, जैसे आपने नाइट्रोजन को प्रिपेयर किया, और यहाँ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन यहाँ पे भी दोनों मिलेंगे, तो यहाँ दोनों वैल्यूएबल प्रोडक्ट है ना, मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है मैं उसको एक अलग सिलेंडर में रख दूंगा, नाइट्रोजन भी मिल रहा है वो वैल्यूएबल बाई प्रोडक्ट है, भले मेरा यहाँ बाई प्रोडक्ट, उसको भी तो हम सेपरेट कर सकते हैं, यस और नो। तो सबसे पहले एयर से, एयर को हम क्या करेंगे, लिक्विफाई करेंगे, एयर को लिक्विफाई करने के बाद उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ट्रीट करेंगे, तो हमारा नाइट्रोजन जो है पहले बाहर आ जाता है, देन ऑक्सीजन, और दोनों को हम सेपरेट करके यूज कर सकते हैं। तो फ्रॉम एयर लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हम प्रिपेयर कर सकते हैं, और क्या, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, दूसरा प्रोसेस क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो अगर मैं वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करा दूं तो क्या मिलेगा, H+ प्लस
OH माइनस ये मिलेगा। अब H प्लस किधर जाएगा, OH माइनस किधर जाएगा, H प्लस जाएगा किधर, कैथोड पे, OH माइनस एनोड पे। ये जो OH माइनस है, समझ में आ रहा है आपको, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, टू वाटर प्लस O2 प्लस टू इलेक्ट्रॉन दे देंगे, O माइनस A प्लस, समझ में आ रहा है, ये O2 प्लस टू इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा इस तरह से। अब आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना, आपको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, यहां लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछे कि कौन से इलेक्ट्रोड पे डाइऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा, तो हम बोलेंगे एनोड पे ऑक्सीजन, कैथोड पे हाइड्रोजन, समझ में आ रहा है, कैथोड पे हाइड्रोजन। यहां तक कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन? तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है ऐसा ना, यहां तक कोई डाउट? तो ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस था, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम इसको ऑक्सीजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सब क्या थे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। आफ्टर दैट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन की भी पहली प्रॉपर्टी नाइट्रोजन हाइड्रोजन की तरह, इट इज अ कलरलेस ऑडरलेस टेस्टलेस गैस। पहला पॉइंट तो सेम, समझ में आया, कलरलेस ऑडरलेस टेस्टलेस गैस। ऑक्सीजन जो है वाटर में लेस सोल्युबल होता है, उसकी सोल्युबिलिटी कितनी है, 3.08 सीएम क्यूब ई, 100 सीएम क्यूब वाटर एट नॉर्मल कंडीशन, और यू कैन से इन एटमोस्फियर, जैसे कि 298 कैल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उसकी सॉल्युबिलिटी कितना है, 3.08 सीएम क्यूब इन 100 सीएम क्यूब ऑफ वाटर, और यू कैन से 30 सीएम क्यूब इन 1 लीटर, 30 सीएम क्यूब इन 1 लीटर, समझ में आ रहा है, 30 का रेशियो हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं, इतना ही अमाउंट वाटर में ये डिसॉल्व होता है, बट फिर भी जो वाटर में रहने वाले वहां पे एनिमल है या बाकी चीजें, वो उस ऑक्सीजन को गेन करके वो जीवित रह जाते हैं, उनको उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी क्या है, सफिशिएंट, समझ में आ रहा है। और हमको आपको कितना भी ऑक्सीजन मिल जाए नहीं रह पाते, पैंडेमिक में ऑक्सीजन की वजह से कितने लोग गए, समझ आ रहा है, एनवायरमेंट में कितना ऑक्सीजन था, जो पास किए तो कहां जाओगे, राइट दूसरी बात है, ये प्रॉपर्टीज मैं ओरली डिक्टेट कर रहा हूँ जो नोट्स में दिया हुआ है, समझ में आ रहा है आपको, यहां तक कोई डाउट है? इसका जो है ऑक्सीजन के तीन स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, कितने, तीन, देयर आर थ्री स्टेबल आइसोटोप्स, ऑक्सीजन 60, ऑक्सीजन 70, ऑक्सीजन 80, समझ में आ रहा है, 16, 79, 18। हमने पहला पॉइंट क्या पढ़ा है, याद है आपको, इट इज अ कलरलेस ऑडरलेस टेस्टलेस गैस एंड इट इज सोल्युबल इन वाटर। हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सोल्युबल इन अ वाटर, 3.08 सीएम क्यूब ऑफ डाइऑक्सीजन डिसॉल्व इन 100 सीएम क्यूब ऑफ वाटर एट नॉर्मल कंडीशन, और यू कैन से एटमॉस्फेरिक टेंपरेचर एंड प्रेशर। It has three stable isotopes, oxygen 16, 17 and 18. याद है, कोई confusion है? Next properties जो है हमने दो तीन बार discuss कर लिया, magnetic properties of dioxygen according to molecular orbital theory it is paramagnetic. According to MOT it is paramagnetic. तो dioxygen क्या है, paramagnetic है, ये चारों points समझ में आ रहा है। फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी दिया है, लिक्विफाइड एट 90 कैल्विन एंड फ्रीजिंग पॉइंट एट 55 कैल्विन, समझ में आ रहा है। आफ्टर दिस क्या डिस्कस करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज।
इसका एक और प्रॉपर्टीज है जो यहाँ पे नहीं दिया है, CRT में भी नहीं, इट एब्जॉर्ब इन अल्कलाइन पायरोगैलोल, पायरोगैलोल में ये एब्जॉर्ब होता है, वो लिखेंगे, इट एब्जॉर्ब इन अल्कलाइन पायरोगैलोल, पायरोगैलोल में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब भी होता है, पायरोगैलोल क्या है, फिनोल में पड़ा है, राइट, तो इट एब्जॉर्ब इन अल्कलाइन पायरोगैलोल। Now, पहला रिएक्शन अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन जो है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कंबशन रिएक्शन में आता है, समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए स्टार्टिंग में एनर्जी देनी पड़ती है, बाद में वो खुद ही क्या है वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक प्रोड्यूस करता है, बट स्टार्टिंग में रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए ऑक्सीजन को क्या एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि उसका बॉन्ड जो है डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है, बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है, ऑक्सीजन की बॉन्ड एंथैल्पी जो है अप्रोक्सीमेटली 500 के आसपास है, ऑक्सीजन का बॉन्ड एंथैल्पी अप्रोक्सीमेटली कितना है 500 के आसपास है, इसकी वजह से उसके जो है रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, बाद में वो खुद एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब रिएक्शन स्टार्ट करना है, इनिशिएट करना है। तो यहाँ पे पहला रिएक्शन की बात करूंगा मैं, फर्स्ट रिएक्शन विद मेटल, अगर हमारा ऑक्सीजन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करा दूं मैं ऑक्सीजन को, अगर यहाँ लिमिटेड लिया है तो ऑक्साइड, वैसे तो ये पेरोक्साइड में आके रुकेगा, तो ये Na2O2 पेरोक्साइड बनाता है, पोटेशियम रूबीडियम ये सब ले लें तो ये सुपर ऑक्साइड में आके रुकेगा, लिथियम ऑक्साइड में रिएक्ट है, मैग्नीशियम ले लूं मैं ऑक्सीजन के साथ तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, इधर दो मोल, इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस है, मैग्नीशियम कैल्शियम क्या बनाएंगे ऑक्साइड, लिथियम क्या बनाएगा ऑक्साइड, सोडियम क्या बनाएगा पेरोक्साइड, पोटेशियम रूबीडियम सुपर ऑक्साइड, समझ में आ रहा आपको, तो ये रिएक्शन विद मेटल है। इसी के बाद अगर हम रिएक्शन विद नॉन मेटल की बात करें, मेटल के इतने रिएक्शन बहुत हैं, एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन भी वही होगा कैल्शियम के साथ, तो रिएक्शन विद नॉन मेटल, कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया CO2 बनेगा, एसिड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया SO2, फॉस्फोरस को रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा P4O10, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हमने डिस्कस किए, समझ में आ रहा है आपको, ये नॉन मेटल के साथ क्या बना रहा है नॉन मेटल ऑक्साइड, मेटल के साथ क्या बना रहा है मेटल ऑक्साइड, यही पे एक बातें और बता दूं, ये मेटल ऑक्साइड क्या होंगे बेसिक, ये क्या होंगे एसिडिक, ये एसिडिक ऑक्साइड है और ये क्या है बेसिक ऑक्साइड, और मेटलॉइड वाले जो है वो जनरली एम्फोटेरिक, जनरली समझ में आ रहा है, सारे एम्फोटेरिक होंगे वो भी जरूरी नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएंगे, ऑपरेटर बड़ा स्लो है, ये सारे रिएक्शन तो बता ही दिए ना, ऑक्सीजन का एक रिएक्शन है सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ B2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो ये आगे सल्फ्यूरिक एसिड में यूज होगा इन अ कॉन्टेक्ट प्रोसेस टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, समझ में आ रहा है, ये इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए भी हम किसको यूज करते हैं, हम O2 को यूज करते हैं, अमोनिया से नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए भी हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देते हैं, जिसको कहां पे यूज किया था ऑस्टॉल प्रोसेस में फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, समझ में आ रहा है, ये रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है नाइट्रिक एसिड, ये अमोनिया वाला रिएक्शन, अमोनिया प्लस O2 एट हायर टेंपरेचर गिव्स NO प्लस H2O, अगर हम HCl के साथ रिएक्ट करा दें, HCl को O2 के साथ रिएक्ट करा दें तो ये क्लोरीन बनाता है, ये भी एक प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, डीकॉन प्रोसेस,
डीकॉन प्रोसेस बाय हीटिंग, ये क्या दे देगा, ये Cl2 दे देगा और H2O दे देगा। Cl2 चाहिए तो इधर दो और चार ले ले तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है, इस तरह। और भी है, अगर हम कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड को O2 से रिएक्ट करा है, तो ये CO2 प्लस SO2 दोनों में जाएगा, दोनों एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और CO2 प्लस SO2 में जाएंगे। हम ऑक्सीजन को कंबर्शन रिएक्शन में भी यूज करते हैं, कहां पे कंबर्शन, किसके साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, अल्कीन, अल्काइन, ये सबको जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या होता है, कंबर्शन रिएक्शन शो करता है, समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल उसका भी डिस्कस कर सकते हैं, अगर मैं मीथेन ले लूं, ऑक्सीजन ले लूं, बाय हीटिंग ये क्या हो जाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी मिलती है। तो अगर रिएक्शन को बैलेंस करें तो इधर दो मतलब इधर ये इस तरह से ये सारे रिएक्शन है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हम यहाँ पे ओजोन का प्रिपरेशन हम आगे ही डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर ओजोन। अगर ऑक्सीजन को हायर टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया जाता है तो वहां पे वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट होगा, ओजोन में, तो वो ओजोन में ही पढ़ने वाले हम लोग, ओजोन का प्रिपरेशन। यहाँ पे डायरेक्टली यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा यूजेस कहाँ पे है, जैसे अगर मैं बात करूँ मेडिसिन फील्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर यूज किया जाता है और रेस्पिरेशन, एनवायरनमेंट में भी रेस्पिरेशन ब्रीदिंग के लिए हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं, और वेल्डिंग एंड कटिंग के लिए भी हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं, तो समझ में आ रहा है। सो ऑल दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस, समझ में आ रहा है। तो अगर ये हमारा ऑक्सीजन का यूजेस था, तो यूजेस हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो तो पढ़ना ही है आपको। आफ्टर दैट जो आप पढ़ेंगे ऑक्साइड, क्या पढ़ेंगे, ऑक्साइड। ऑक्साइड में यहाँ पे मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया होगा पीरियोडिक टेबल एंड ऑल। ऑक्साइड के कौन कौन से टाइप होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, देन बेसिक ऑक्साइड, एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे और टाइप ध्यान देंगे। थर्ड वन इज न्यूट्रल ऑक्साइड, देन एम्फोटेरिक, समझ में आ रहा है, पेरोक्साइड भी होता है, देन सुपर ऑक्साइड, समझ में आ रहा है आपको, ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड, ये सारे सब ऑक्साइड भी होगा, सब ऑक्साइड के एग्जांपल C3O2 इतना, वैसे तो ये सारे ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड इन जनरल बातें करें, एसिडिक तो कौन होते हैं, नॉन मेटल, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड, मेटेलॉइड बने M-O-10. न्यूट्रल ऑक्साइड आपके सिलेबस में क्या क्या बताया मैंने, NOCO N2O, NOCO N2O, ये तीनों न्यूट्रल ऑक्साइड है। पेरोक्साइड एम्फोटेरिक में मेटलॉइड आते हैं, पेरोक्साइड में H2O2 N2O2 बेरियम पेरोक्साइड, समझ में आ रहा है, सुपर ऑक्साइड में पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। इनके सुपर ऑक्साइड हाइड्रोजन सोडियम बेरियम, ये सबके क्या बनेंगे, ये ध्यान सब ऑक्साइड का एग्जांपल C3O। तो ऑल दीज आर ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें एसिडिक बेसिक न्यूट्रल और ये सब हमें एग्जाम्पल पे ध्यान देना। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे एग्जाम्पल में भी सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एसिडिक के एग्जाम्पल, बेसिक के एग्जाम्पल,
जब ये बेसिक ऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या बना लेगा, बेस बना लेगा। एसिडिक को अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो एसिड बना लेगा, वो उनका डेफिनेशन टर्म हो गया। आपको खाली क्या ध्यान देना है, एग्जाम्पल ध्यान देना, वो डेफिनेशन टर्म जो है हम टेंथ में भी पढ़ चुके हैं, समझ में आ रहा है। यहाँ क्या ध्यान देना है, विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जनरली क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है, एम्फोटेरिक, क्योंकि एसिडिक और बेसिक में बहुत सारे एग्जाम्पल है, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, समझ में आ रहा है। तो ये सब के एग्जाम्पल हम ध्यान में रखें, एक बार गो थ्रू कर फिर आगे। ऑक्सीजन जो है ओजोन का एलोट्रॉपिक, ऑक्सीजन का जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो ओजोन है, O3, राइट। तो इट इज अ एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन जो O3 में भी पाया जाता है, जिसको ओजोन बोला जाता है। ओजोन को अगर हम रिपेयर करना चाहते हैं तो डाई ऑक्सीजन को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा दें, समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा के उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं ओजोन की बात करूं, O3, हाउ विल यू प्रिपेयर ओजोन, तो ऑक्सीजन ले लो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा दो, तो यहां पे ये O2 जो है O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 3 है, इधर 2 ले लो आप और इधर 3 हो। तो अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O3 में, समझ में आ रहा है। ये ओजोन जो है, ओजोन इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑन डाई ऑक्सीजन। इट इज अवेलेबल एट हाइट ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस, समझ में आ रहा है। तो वही सेम प्रोसेस, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, वो तो अल्ट्रावायलेट जो सनलाइट आता है ओजोन लेयर पे, तो वहां से क्या हो जाता है, वो ऑक्सीजन, सॉरी, वहां पे ओजोन लेयर होता है, राइट। तो ओजोन लेयर पे जब ये अल्ट्रावायलेट रेड पड़ता है तो कन्वर्ट भी हो जाता है O2 में। तो वो डायरेक्ट जो सन रे आता है वो हमारे बॉडी पे डायरेक्ट हार्मफुल वाला रेज हमारे बॉडी पे नहीं पड़ता, ये ओजोन लेयर वहां से हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो अर्थ से 20 किलोमीटर ऊपर जो है ओजोन का लेयर पाया जाता है, जो धीरे धीरे वो क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, समझ में आ रहा है, वहां पे होल होना स्टार्ट हो गया है, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर होल ऑफ ओजोन इज कॉमनली नोन एज अ ओजोनोस्फीयर और ओजोन अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला में छेद होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट अल्ट्रा रे जो है आपके बॉडी पे आएगा, समझ में, मतलब यहाँ पे आएगा। तो वही चीजें यहाँ पे बताया जा रहा है। तो वो तो एक हो गया नेचुरल, दूसरा हम लेबोरेटरी में इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको अगर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया जाए ऑक्सीजन को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें O3 मिलेगा। ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन, ओजोन जो है गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों में पाया जाता है। ओजोन जो है गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों में पाया जाता है। तीनों में उसके अलग अलग कलर है, समझ में आ रहा है, तीनों में उसके अलग अलग कलर है। यहाँ पे देखेंगे तो गैसियस ओजोन इज अ ब्लू, लिक्विड ओजोन इज ब्लैक एंड सॉलिड ओजोन इज वायलेट, समझ में आ रहा है। द नेम ओजोन इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओजीन मीनिंग स्मेल। ओजोन का स्मेल कैसा होता है, पंजेंट स्मेल, एज आई टोल्ड यू इस पूरे टी ब्लॉक में मैक्सिमम ओडर कैसा होगा, पंजेंट स्मेल। इन स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन इट इज हार्मलेस बट हाइयर कॉन्सेंट्रेशन इज हार्मफुल, समझ में आ रहा है, विच इज डेंजरस रिजल्टिंग इन टू नोजिया एंड हेड, समझ में आ रहा है। तो अगर इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन आप ले रहे हैं, स्मेल ले रहे हैं,
तो ठीक है, बट बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपने इसको इनहेल कर लिया तो आपको हेडेक और नोजिया जैसी डिजीज हो सकती है। समझ आ रहा है? O3 इज लेस स्टेबल, O3 इज अ लेस स्टेबल, ओजोन जो है लेस स्टेबल होता है, ओजोन क्या होता है लेस स्टेबल होता है, एंड ओजोन इज अ वन ऑफ द पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओजोन एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेक्स्ट टू फ्लोरीन, नेक्स्ट टू फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद फ्लोरीन जो है ज्यादा होता है फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर, क्योंकि F- किस में जाना चाहेगा, जीरो में F, वो फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन मेरा F- में जाना चाहेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होता है, रिडक्शन, कौन इजीली निगेटिव में जा सकता है, जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है तो फ्लोरीन इजिली जा सकता है, तो नेक्स्ट टू फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ओजोन जो है सबसे हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। समझ में आ रहा है? तो अगर ओजोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला हमने क्या पढ़ा कि ये ओजोन जो है तीनों फॉर्म में पाया जाता है, गैस, लिक्विड एंड, उनके तीनों फॉर्म में कलर भी होते हैं। समझ में आ रहा है? गैसीज जो है वो ब्लू कलर का होता है, लिक्विड जो है और जो है सॉरी ब्लैक एंड वायलेट एंड ब्लैक और ब्लैक एंड वायलेट। ओजोन का मतलब क्या होता है, टू स्मेल, इट इज लेस स्टेबल, थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल, ओजोन जो है थर्मोडायनेमिकली क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, एंड इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सारे उनके क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, ओजोन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, O3, ध्यान देंगे ये क्या करेगा, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है किसी मेटल एंड नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? तो जब ये किसी कार्बन के साथ मेरा O3 रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन जाएगा CO2 में और इधर क्या मिलेगा, O2। समझ में आ रहा है? अब यहां क्या होगा, दो ऑक्सीजन चाहिए, क्या करना चाहिए अपने को, इधर ये इनिशियल रिएक्शन है, दो ऐसा टाइप पढ़ाया था आपको याद है HNO3 में। अब ये दो, समझ में रहा, अब इसको मैं ऐसे रिएक्ट करा दू, कौन से फॉर्म में, इस नेसेंट ऑक्सीजन वाले, तो ये ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं? ये तो क्या होगा, कार्बन को अगर 2O3 के साथ रिएक्ट करा दे तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन CO2 प्लस O2 में चला जाएगा, कितने, तो ये तो एक एग्जांपल बताया मैंने। समझ में आ रहा है? ये तो एक एग्जांपल, और भी बहुत सारे कन्वर्जन है, कौन से वाले, सल्फाइड टू सल्फर, समझ में आ रहा है, सल्फाइड टू सल्फर, फेरस टू फेरी, समझ में आ रहा है आपको, और क्लोराइड टू क्लोरीन या हैलाइड टू हैलोजन, ये सारे कन्वर्जन ये कर सकता है, जैसा आपने नाइट्रिक एसिड के लिए किया था, ये सारे वहां पे कन्वर्जन हो जाएंगे, फिर ऑक्सीडाइज सल्फाइड इनटू सल्फेट, सल्फाइड को सल्फेट तक लेके चला जाता है, ये वन ऑफ द पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सल्फाइड को क्या कहेगा, सल्फेट तक लेके जा रहा है। समझ में आ रहा है? Ki कन्वर्टेड इनटू I, मतलब हैलाइड टू ना, अब अगर मैं डायरेक्टली ना करके यहां से उस स्टेट में जाऊं, पहले O3 लेके जाऊं, तो ये क्या बनाएगा, O2 प्लस O, तो ये क्या करेगा, I जो है I2 में जाएगा, इसमें जाएगा, इसका मैं आपको टेक्निक बताऊं, टेक्निक से जाएंगे ना तो बहुत इजी इसलिए होगा क्योंकि सबके लिए फॉर्मेट हम सेम यूज कर रहे हैं, तो ज्यादा कुछ याद नहीं करना, ये O दे रहा है, जब Ki को आप रिएक्ट कराते हैं वॉटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये दो अगर ले लें तो I2 बन गया। समझ में आ रहा है? अब इधर 2K बचा, क्या बचा, 2K HNOH, एक OH इधर बचा, ये भी कंबाइन होके OH क्या हो जाएगा, 2KOH, नहीं समझा,
आप देखेंगे ना उधर वही बना रहेगा। समझ में आ रहा पॉइंट? अब इनको क्या करूं मैं, O3 plus 2 Ki plus 1 mole of H2O, क्योंकि ये ऑक्सीजन कैंसिल हो जाए, which gives I2 plus 2 KOH plus O2, reaction are, ये समझ में आ रहा है? तो इसको भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, सिमिलरली बाकी भी ये ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर देगा, P4 को ऑक्सीडाइज करेगा, समझ में आ रहा है? फॉस्फोरस को फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड में, सल्फर को इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में, ये सबको ऑक्सीडाइज कर देगा, एनओ को एनओ टू में कन्वर्ट कर देगा, बेरियम परोक्साइड दिया है अगर मैंने, बेरियम परोक्साइड तो उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा देगा हम, तो क्या हो ध्यान देंगे, बी ए ओ टू लिया है, ओ थ्री ले ले, अब इसके पास एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है और O3 भी एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ले रहा है, तो दोनों ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर क्या करेंगे, O2 बना लेंगे, तो यहां क्या बनेगा, BaO plus O2, कितने O2, दो, क्योंकि एक तो ये आपका ऐसे ध्यान देंगे जरा, O3 क्या हो रहा है, O2 plus O, ये क्या करेगा, BaO plus O, एक O और एक O2 बन जाएगा, समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से ये पेरोक्साइड को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ऑक्साइड, तो माइनस वन से माइनस टू, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये भी ध्यान दें। अगर मैं एनओ की बात करूं तो एनओ को अगर ओ थ्री से रिएक्ट करा दे तो क्या हो जाएगा, एनओ किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, एनओ, और क्या मिलेगा आपको, इसका ओ टू निकलेगा, समझ में आ रहा है? तो ये सारे रिएक्शन है, ओजोनोलाइसिस हाइड्रोकार्बन में तो है ही है, हाइड्रोकार्बन वाले ओजोनोलाइसिस रिएक्शन जो हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा, ओजोन का O3, O3 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये एक इस तरह से होगा जहां ये माइनस और ये प्लस, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये O, ये माइनस, ये प्लस और इधर डबल, इसको थोड़ा, तो दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो जाएगा, यहां पे ये इस तरह से पार्शियल, समझ में आ रहा है, जहां पे ये दोनों पार्शियल निगेटिव और ये क्या होंगे पार्शियल पॉजिटिव, पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो इन दोनों का बॉन्ड लेंथ इक्वली होगा, दोनों का बॉन्ड लेंथ इक्वली, ये ध्यान रहे, क्योंकि ये भी डबल बॉन्ड बना रहा है, ये भी डबल बॉन्ड बना रहा है, ये ध्यान देंगे, ओजोन का बॉन्ड ऑक्सीजन दे रहा है, कोई कलर सब्सटेंस ले लो, ये ऑक्सीजन आके क्या करेगा, कलरलेस बना, समझ में आ रहा है? तो ओजोन ब्लीचिंग एक्शन पे भी यूज किया जाता है, कैसे वो समझ में आ रहा है आपको, O3 O2 में जाएगा नेसिल ऑक्सीजन, यहाँ पे कलर सब्सटेंस ले लूं अगर मैं और O के साथ रिएक्ट कर दूं, ये क्या कर देगा, कलरलेस, क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है? ओवरऑल रिएक्शन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाता है, तो क्या मिलेगा हमें, कोई भी कलर सब्सटेंस प्लस ओजोन को लिया तो क्या हो गया, कलरलेस प्लस ओजोन, क्या मिल जाएगा, कलरलेस प्लस ओजोन, ये कहां पे आ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ ओजोन में आएगा, यूजेस ऑफ ओजोन, समझ में आ रहा है आपको? तो ओजोन जो है ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरा इट इज यूज इन अ ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग एक्शन पे भी यूज किया जा रहा है ओजोन को, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एंड बीइंग टॉक्सिक इट इज यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड बैक्टीरिया को जो है स्टेरलाइज मतलब वही ना, बैक्टीरिया को मारना बायो वाले होते हैं उससे ज्यादा जानते हैं।
It is used in an industry to manufacture of silk, synthetic camphor, potassium permanganate. पोटेशियम परमैंगनेट की भी प्रिपरेशन में हम यूज करेंगे, वो भी क्या रोल होगा उसका, वो होगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या रोल हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिससे K2MnO4 से KMnO4 में बनाता है, तो ये सारे यूजेस हैं ओजोन के जो हमें पढ़ लेना है, समझ में आ रहा है, तो आफ्टर दैट सल्फर जो है नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं है, एनसीईआरटी में भी बहुत सब लिया है।